हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मिजन मॉमी स्टूडियो। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लॉरियल पैरिस्टा स्किन परफेक्ट एंटी फाइन लाइंस वाइटनिंग क्रीम। इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस क्रीम को मैंने पर्सनली ट्राई करा है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप इस क्रीम को लेने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें मेंशन है ये क्रीम 30+ वालों के लिए है। इसमें पूरा मेंशन इन्होंने कर रखा है, प्लस वाइटमिन 3X कॉम्प्लेक्स में आपको मिल जाता है। देन बात करते हैं हम इसकी पैकेजिंग की, तो ये इस तरीके से कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। और ये क्लेम क्या करता है, इन्होंने पूरा क्लेम इसमें बैक साइड में आपको मेंशन कर रखा है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये आपको एडवांस वाइटनिंग देता है और साथ ही साथ इसमें वाइटमिन B3 आपको मिल जाता है और विटामिन सी भी इसमें मिलता है आपको, जो क्या करता है आपकी मेलानिन और डलनेस और डार्क स्पॉट्स को के ऊपर वर्क करता है। और इसमें विटामिन ई है जो आपको इसमें मिल जाता है। इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी मिल जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि ये आपको क्या क्या क्लेम करता है, ये क्रीम इन्होंने क्या क्लेम करा हुआ है। ये आपको इंस्टेंटली स्किन को फेयर बनाता है और साथ ही साथ आपके स्किन को स्मूथ बनाता है। और ये आपका लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन आपको प्रोवाइड करता है। डे आफ्टर डे क्या वर्क करता है, फाइन लाइंस के ऊपर वर्क करता है, स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, स्किन टोन को इवन करता है और साथ ही साथ डार्क स्पॉट्स को फेड करता है। और ये आपका डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है, नॉन ग्रीसी है। इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग मैं आपको उसको दिखाती हूँ। ओरिजिनल प्राइस इसका 449 रुपीज़, बट आपको ऑनलाइन इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। पर्पल, नाइका, अमेजोन, कहीं से भी इसको इजीली परचेज कर सकते हैं। क्वांटिटी की अगर हम बात करें, 50 ग्राम की आपको क्वांटिटी मिलती है। शेल्फ लाइफ पे अगर हम आते हैं तो शेल्फ लाइफ आपको इसकी 2 ईयर्स की मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अब हम इसकी इनर पैकेजिंग की। तो ये कुछ इस तरीके से आपको ग्लास बॉटल में मिल जाती है। ये ट्रैवल फ्रेंडली आप कह सकते हैं कि है भी, क्योंकि ये इसलिए है ये क्योंकि कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा बड़ा बॉटल नहीं है। बट ये नहीं भी है, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये ग्लास की बॉटल है, बट ग्लास इसका हैवी है। तो आप देख सकते हैं कि आपको इसको लेना है या नहीं लेना है। ट्रैवल फ्रेंडली तो ये है भी और नहीं भी है, मैंने आपको प्लस माइनस दोनों पॉइंट बता दिए हैं इसके। तो चलिए मैं बात करते हैं, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये मैंने अब यूज़ कर रखी है, आप देख सकते हैं मैंने लगभग पूरी बॉटल यूज़ कर ली है। ये अब इतनी कुछ बची है क्योंकि पहले मैंने यूज़ कर रहा है, इसका रिज़ल्ट देखा है, देन मैंने आपके साथ इसको इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो इसे कलर की बात करें तो कलर आप देख सकते हैं ये कुछ आपको इस तरीके से कलर में मिल जाता है। ये कुछ ऑफ वाइट सा कलर आप इसको बोल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये आपको मिल जाता है। और अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर इसका काफ़ी स्मूद है, थिक नहीं है, ये क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। और ये आपका ऑयली और एक्ने प्रॉन स्किन वाले जो होते हैं वो इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से है, ये देखिए इस तरीके से आपको ये इसका टेक्सचर मिल जाता है, क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, ये देखिए। और फ्रेंड्स, ये आपके स्किन में इजीली ब्लेंड हो जाती है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ब्लेंड हो गई है, बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है इसका टेक्सचर। और इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत ही लाइट है, मतलब ज़्यादा वैसी नहीं है, बहुत लाइट सी इसकी स्मेल है, फ्रेग्रेंस है। तो फ्रेंड, इसकी हाइड्रेशन पावर बहुत अच्छी है, आपके स्किन को 6 to 7 आवर्स तक हाइड्रेट रखती है और आपको मैट फिनिश लुक देती है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने इस क्रीम को यूज़ करके ये ऑब्जर्व करा है कि ये फाइन लाइन्स को धीरे धीरे कम करता है और फेस में जो निशान पिगमेंटेशन के होते हैं उनको धीरे धीरे हटाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रोडक्ट को इजीली यूज कर सकते हैं और आप इसे एज अ एंटी एजिंग क्रीम भी यूज कर सकते हैं। और इसकी आपको मार्केट में 40+ 50+ रेंज भी इजीली मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इस क्रीम को इजीली परचेज कर सकते हैं, इनके क्लेम काफी हद तक फुलफिल इन्होंने कर रखे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें SPF 21 PA++ मिलता है जो कि बहुत कम है, इसलिए आपको इस क्रीम के ऊपर एक्स्ट्रा सनस्क्रीन लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, बाय।